हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल आदिव क्लासेस। देखिए दोस्तों, हम एसवी की टॉपिक्स लाइन पढ़ रहे हैं। तो लाइन में हमने सारे टॉपिक्स लगभग ये करके पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हम सारे एक साथ जितने इनके पार्ट होते हैं लाइन्स के, वो सारे पर देखेंगे कि कितने पार्ट होते हैं और क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता है और किस लिए पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा लाइन्स है। लाइन में देखिए आता है हमारा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्ड लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। ओके, तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन और स्लैंटिंग लाइन, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइंस, ये देखिए हमारा ये जो लाइन बनी है, सीधी से एक छोटी सी लाइन जो होती है हमारी, ये हमारी स्टैंडिंग लाइन कहलाती है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पीछे पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। हमने पूरा एक अलग से इसका वीडियो बनाया हुआ है। तो स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन एंड ये हमारी कर्व है, ये जो गोल सा सी का टाइप होता है, राइट कर्व एंड लेफ्ट कर्व। ये हमारी स्लैंटिंग लाइन, टेढ़ी जो लाइन होती हैं, ये हमारी स्लैंटिंग लाइन होती हैं। तो ये बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती हैं, आप देख रहे हैं कि ये हमने ए बी सी डी लिख रखा है। ए बी सी डी में देखिए कि ए जो है, ए में हमारा स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ए। फिर देखिए स्टैंडिंग लाइन और कर्व बना दिए तो क्या बना, बी। फिर ये हमारा सी कर्व है। और डी में भी हमने देखिए स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद कर्व बना दिया तो हमारा डी बन गया। फिर ई यानी कि स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइंस ई, ये हमारा स्टैंडिंग लाइन और ये दो स्लीपिंग लाइन, तो एफ बन गया। तो इस तरह से ए बी सी डी बच्चों को पढ़ाने से पहले अगर हम इस तरह ये लाइंस पढ़ा देते हैं तो ए बी सी डी उनको पढ़ने में और लिखने में काफ़ी ईजी हो जाता है, इसलिए बच्चों को लाइंस पढ़ाई जाती हैं। तो देखिए स्टैंडिंग लाइन इस तरह से एक सीधी सी लाइन होती है जो जिसको स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। तो इस तरह बच्चों को दे सकते हैं बनाने के लिए, इस तरह से आप स्टैंडिंग लाइन बना करके दे दीजिए और बच्चे से कहिए कि वो वहाँ पर लाइन वो खींचे। तो इस तरह से बच्चा ये हमारी स्टैंडिंग लाइन बनाएगा ऐसे करके। तो ये हमारी स्टैंडिंग लाइन बनी ये, तो पहले इस तरह से दीजिए, उसके बाद ये पूरी सिर्फ ऊपर एक डॉट बना दीजिए, नीचे एक डॉट बना दीजिए, उसको इस तरह से बनाने को दीजिए। तो धीरे धीरे करके वो पहले तो धीमे धीमे उल्टा सीधा बनाएगा, उसके बाद थोड़ा सीधी लाइन बनने लगेंगी, फिर टेढ़ी मेढ़ी भी बनेंगी और फिर जो है ये इस तरह से बनाने लगेगा और फिर बिना पॉइंट टाइप के रखे ही वो एक सीधी लाइन खींचने लगेगा। तो इस तरह से लाइन खींचना सिखाना बच्चे को स्टैंडिंग लाइन्स होती हैं, यानी कि सीधी सीधी छोटी लाइन सिखाना, ये स्टैंडिंग लाइन होती हैं। उसके बाद देखिए स्लीपिंग लाइन क्या होती है। स्लीपिंग जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि सोती हुई रेखाएँ, वो रेखा जो सो रही हैं, जो सोती हैं तो हुई हैं, तो उनको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन कहते हैं। तो ये देखिए लेटी हुई सोती हुई रेखा, तो ये हमारी स्लीपिंग लाइन। इसमें जो है आप इस तरह से डॉट पहले तो इसी तरह बना के दीजिए, बच्चे को थोड़ा इजी लगे, क्योंकि इजी लगेगा तभी वो करेगा। तो इस तरह से बना के दीजिए, कई सारे डॉट रख दीजिए और उससे कहिए कि इन डॉट्स को मिला दे। तो बस इस तरह से ये इस तरह बच्चा बनाता जाएगा, उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब करने में, क्योंकि लाइंस खींचना जैसे कि हमारा बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो पहले तो हम उससे पेंसिल से कुछ भी लिखने को देते हैं, कुछ भी करे, गोदा गादी करे, उसके बाद ये सब लाइंस हम उनसे करवाते हैं। तो जब बच्चा नर्सरी में हो या नर्सरी में भी नहीं है, जब आपको अभी बच्चे को एडमिशन कराना है तो उसके लिए आप इस तरह एक सादा पेज दे दीजिए उसको, ऐसे एक सादा पेज दीजिए, वो ऐसे करके लाइन खींचेगा, ऐसे खींचेगा, यूँ खींचेगा, टेढ़ी मेढ़ी सीधी सादी कैसी भी करके लाइन खींचेगा, उसको सिर्फ पन्ना भरना है, ऐसे बताइए कि उसको सिर्फ पेज भरना है इस तरह से। जब ये सब खींचने लगेगा, जब ये सब काम कर लेगा, उसके बाद आप ये अपनी लाइन सिखाइए तो उसको ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि तब वो पेंसिल पकड़ना सीख चुका होगा। तो जब वो पेंसिल पकड़ना सीख ले तब आप उसको लाइन सिखाइए। तो ये हमारी स्टैंडिंग लाइन, फिर देखिए स्लीपिंग लाइन, उसके बाद क्या आता है, ये हमारी कर्व एंड स्लैंटिंग लाइन, तो वो देखते हैं। ये हमारी कर्व एंड स्लैंटिंग लाइन, तो देखिए कर्व में क्या होता है, कर्व हमारे दो तरह के होते हैं, ये लेफ्ट कर्व एंड राइट कर्व, एंड स्लैंटिंग लाइन भी टू टाइप्स की होती हैं, एंड लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड राइट स्लैंटिंग लाइन। ओके, तो ये हमारा कर्व है, कर्व यानी कि लेफ्ट कर्व। तो इस तरह से आप बना दीजिए और उससे कहिए कि बनाए, पहले तो ये ऐसे करके कई सारे डॉट रखिए और उसको मिलवाइए इससे, इस तरह से बच्चा सी के टाइप है, बस सी ही है समझ लीजिए, ऐसे बना दीजिए और उससे मिलाने को दीजिए। तो ये एक्सरसाइज आप घर पे भी करा सकती हैं, अभी अगर आपको नेक्स्ट ईयर में बच्चे का एडमिशन कराना है तो ये सब आप कराएंगी तो उस आपको नेक्स्ट ईयर काफ़ी इजी हो जाएगा कराने में।
तो इस तरह से डॉट बना करके दीजिए और उससे फिलअप कराइए। तो इस तरह से हमारी नई मम्मीज़ अपने बच्चों को काम करा सकती हैं, होमवर्क के तौर पे, क्लास वर्क के तौर पे, कुछ भी हो, मतलब उनको बिज़ी रखना है और सिखाना भी है, तो बिज़ी भी रहेंगे और एक अपनी नर्सरी क्लास का एक टॉपिक भी इजीली सीख लेंगे, जो कि मेन होता है। यही हमारा नर्सरी क्लास में पूरा पढ़ाया जाता है पूरे साल, ये सारी लाइन्स ही। तो ये हमारी लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ये देखिए, तो ये लाइन्स हैं, तो इनको जैसे कि ऐसे मैच करना है लाइन से, लाइन टू लाइन, बस इनको जो है मिला देना है ऐसे करके। तो इस तरह से आप दीजिए एक्सरसाइज बच्चे को, इजीली वो करेगा और आपका भी काम कम होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये हमारी राइट स्लैंटिंग लाइन, ये देखिए, ये हमारी राइट स्लैंटिंग, ऐसे ही बच्चा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी करेगा, लेकिन बस उसको करना है, क्योंकि करेगा तभी पेंसिल पकड़ना सीखेगा। अभी आपको सिर्फ उसको पढ़ाना नहीं है, उसको सिर्फ मेन पेंसिल पकड़ना सिखाना है कि पेंसिल बच्चा किस तरह से पकड़े। तो बस पेंसिल पकड़ने के लिए ही ये कर्व और ये आपकी स्लैंटिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन, ये सारी लाइंस बच्चे को सिखाई जाती हैं। नर्सरी क्लास में तो सिर्फ पेंसिल ही पकड़ना सिखाया जाता है, तो यही सब आपको कराना है। तो इस तरह से अपने बच्चों को आप लाइंस सिखा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।